अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल द फैमिली कुकिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम कुछ स्पेशल बारबेक्यू करेंगे। तीतर को हम ग्रिल करने वाले हैं सिगड़ी पे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और किस तरह से इसका मसाला हम तैयार करते हैं और क्या मैरिनेशन प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने तीतर को बटरफ्लाई की शक्ल में काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसको बीच में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये मैरिनेट आसान से हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसमें बढ़िया कलर आ जाए। दो चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक अपने जायके के हिसाब से डालें, मैं दो चम्मच ऐड कर रहा हूँ, तीन टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, दही ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए, एक नींबू का रस ऐड करेंगे, सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। सारे तीतरों को अच्छी तरह से मसाले लगा के इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। एक से दो घंटा इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। इसमें दही है तो ये जल्दी मैरिनेट हो जाएगा। सिगड़ी तैयार है और प्री हीट हो चुकी है, तो हम इसको पका लेंगे। थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। पाँच छः मिनट में इसको पलट लें।
अल्हम्दुलिल्लाह ये पक गए हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तीतर बनके रेडी हैं और आप इसको चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर मेयोनीज के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने इसे अभी टेस्ट किया, ये बड़े ही मज़ेदार और लजीज बनी है। हमारी इस रेसिपी को आप घर में ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।